बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट ट्राइफल। सबसे पहले मैंने 500 मिलीलीटर पानी लिया है, इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। बॉईल होने पर मैं इसमें जेली क्रिस्टल्स का एक पैकेट डाल रही हूँ और इसे साथ साथ में चमचा हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे ग्लासेस में डाल दूंगी मैं और फिर इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और इसके बाद फ्रिज में एक घंटे के लिए रखते रहे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पाँच सौ मिलीलीटर मैंने दूध लिया है, इसमें से मैं 3 से 4 टेबलस्पून एक बोल में डाल दिया है इसे और 2 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब एक पैन में मैंने बाकी का दूध डाला है और इसे गर्म करना है। इसमें चीनी डाल देते हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध को सिर्फ गर्म करना है, बॉईल नहीं करना, क्योंकि अगर बॉईल हो जाएगा तो फिर जब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे तो इसमें लम्स हो जाते हैं। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से कस्टर्ड डालना है और इतनी देर तक पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। चमचा लगातार हिलाते रहेंगे और मैंने मीडियम हीट रखी हुई है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठीक हो चुका है तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मिनी केक रोल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और इस तरह से इसकी एक लेयर लगा देंगे इसमें। अब जो कस्टर्ड है वो उसमें डाल देते हैं, एक लेयर ये इसके लगाएंगे। इतना डालना है कि ऊपर से जो केक है वो कवर हो जाए। अब क्रीम टॉपिंग पाउडर लिया है मैंने 3 टेबलस्पून और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है। अब इसे विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए विस्क करते रहेंगे। अब ये देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से विस्क हो चुका है और ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब ये पिंक जो है कलर, फूड कलरिंग, इसका कुछ ड्रॉप्स इसमें डाले हैं, 1 से 2 ड्रॉप्स। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब ये हमें इस तरह से चाहिए, ये तैयार हो चुका है इसकी टॉपिंग के लिए। ये अब ऊपर डाल देंगे, इसकी भी एक लेयर लगा देंगे। अच्छी तरह से इसे फैला लेना है। सबसे ऊपर हम फ्रूट लगाएंगे, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज लिए हैं। और कुछ स्प्रिंकल्स भी इस पर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।